देखो वेक्टर में वेक्टर अगर ऐड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, वेक्टर। वेक्टर में वेक्टर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमेशा क्या आएगा, वेक्टर। लेकिन वेक्टर में वेक्टर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हमेशा वेक्टर आए, जरूरी नहीं है। इसीलिए वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो बेटा दो तरीके से किया जाता है, दो तरीके का प्रोडक्ट होता है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का दो तरीके का प्रोडक्ट हो गया। पहला है, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। पहले प्रोडक्ट का नाम है डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। जबकि दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट का नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब अगर हम लोग वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो दो पॉसिबिलिटी है, वेक्टर इनटू वेक्टर स्केलर आ जाए वो ये है, और वेक्टर इनटू वेक्टर वेक्टर आ जाए वो ये है। बात समझ में आई? दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर भी आ सकता है और स्केलर भी आ सकता है। अगर वेक्टर आ रहा है, सॉरी स्केलर आ रहा है, तो वो नाम कहलाएगा डॉट प्रोडक्ट। उसको इस तरीके से सिंबल लिखेंगे हम लोग। और क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जनरली जब हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं, अलजेब्रा पढ़ते हैं, तो हम लोग मल्टीप्लाई दिखाने के लिए कई बार ये लिख देते हैं, कई बार वो लिख देते हैं। दोनों का सेम मतलब है। जैसे अगर हमें लिखना है ए टाइम्स बी प्लस सी, तो हम ऐसे भी लिख देते हैं और कोई बच्चा ऐसे भी लिख देता है ए इंटू बी प्लस सी। दोनों का मतलब सेम निकाला जाता है जब हम नॉर्मल अलजेब्रा पढ़ रहे होते हैं तब। लेकिन यहां पर दोनों का मतलब अलग अलग है। डॉट का मतलब अलग है और क्रॉस का मतलब अलग है। क्लियर है? अब एक एक करके इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट एंड व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, आज की क्लास में हम लोग डॉट प्रोडक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे कि भाई डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के बारे में समझिएगा, जैसे कि एक ए वेक्टर है हमारे पास और ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच में कुछ एंगल थीटा है। ठीक, तो डॉट प्रोडक्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू बी कॉस थीटा, ए इंटू बी कॉस थीटा, या सिंपल फ्लो फ्लो में सब लोग फॉर्मूला लिखते हैं ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। अब इस ए बी कॉस थीटा का मतलब क्या है उसको समझिएगा। ये जो वेक्टर क्वांटिटी है जो थीटा एंगल पर है, क्या इसके हम लोग कंपोनेंट्स कर सकते हैं? इस बी का, बी के कंपोनेंट कर सकते हैं? बी है, ये एंगल है, तो एक कंपोनेंट बोलो इधर की तरफ क्या होगा, और एक कंपोनेंट ऐसा भी होगा, दैट इज बी। कंपोनेंट कर सकते हैं कि नहीं? तो डॉट प्रोडक्ट आप समझ जाओ, डॉट प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड कॉम्पोनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। हिंदी में सुनिए, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का वो कॉम्पोनेंट चाहिए जो किसकी डायरेक्शन में हो, ए की डायरेक्शन। भाई बी के कितने कॉम्पोनेंट है? दो। लेकिन हमने कौन सा लिया? कॉस वाला। कॉस वाला इसलिए लिया क्योंकि वो ए की डायरेक्शन में था। क्लियर? तो आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट, हाउ विल यू डिफाइन डॉट प्रोडक्ट, तो क्या लिखोगे? डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज
डिफाइंड एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ, ध्यान से देखिएगा जो फॉर्मूला है बस उसी को वर्ड्स में लिख रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या है, मल्टीप्लीकेशन है किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड कॉम्पोनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, भाई कॉम्पोनेंट आपने किसका किया है बताओ भाई, बी का किया है या बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का किया है, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, सो इसलिए मैंने लिखा है एंड कॉम्पोनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या है, डॉट प्रोडक्ट है ए इंटू बी कॉस थीटा, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो, दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का वो कंपोनेंट लो जो ए की डायरेक्शन में हो, ए की डायरेक्शन में बोलो कौन सा कंपोनेंट है, बी कॉस थीटा, तो हमने बी कॉस थीटा ले लिया। क्या ये बात समझ में आई, क्या इस तरह की कोई चीज आप लोगों ने इसके पहले कभी पढ़ी है आज तक, पढ़ी है वर्क, आप लोगों ने पढ़ा है वर्क, बोलो भाई व्हाट इज वर्क, कौन बताएगा वर्क क्या होता है, अगर ये कोई एक ऑब्जेक्ट है एम मास का और उसके ऊपर इस तरीके का फोर्स लगाया जाए तो क्या ये ऑब्जेक्ट कुछ समय के बाद आगे पहुंच जाएगा, मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया, अभी भी एम मास है बट ये डिस्प्लेस कर गया और इसका डिस्प्लेसमेंट ये है, चेक करो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है, फोर्स किधर लग रहा है राइट साइड, डिस्प्लेसमेंट भी किधर हुआ राइट साइड, तो ऐसे में वर्क डिफाइन किया जाता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सही है। सेकंड केस देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, इस बार फोर्स ऐसा है जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है और इस तरह का भी अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो भी ऑब्जेक्ट कुछ समय के बाद यहां कहीं आगे पहुंचेगा, बताओ भाई, इस बार डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, जैसे बच्चे खेल खेलते हैं क्या, कोई भी एक डब्बा ले लिया, कोई भी चीज ले ली, उसमें एक तो रस्सी बांध ली और उसको लेके दौड़ रहे हैं, देखा होगा आपने बहुत से बच्चों को ऐसे खेलते हुए, कोई भी फालतू चीज जूते का डब्बा ले लेंगे उसी में रस्सी बांध लिया उसको लेकर दौड़ रहे हैं, पता नहीं क्या मजा आ रही उनको, देखा होगा छोटे भाई बहन को या किसी के यहां भी घर में। अब वहां पर जरा सोचो, अगर रस्सी लगा करके बांध करके हम कोई चीज खींच रहे हैं तो फोर्स तो हमने रस्सी की डायरेक्शन में लगाया ना, लेकिन क्या ऑब्जेक्ट उड़ गया ऐसे, नहीं, ऑब्जेक्ट तो आगे ही बढ़ता है, तो ऑब्जेक्ट अभी भी आगे बढ़ रहा है, फोर्स भले हमने ऐसा लगा दिया, ठीक। इस बार अगर मैं आपसे कहूं बेटा वर्क कितना होगा तो क्या बताओगे, कितना वर्क है इस बार, इस बार आप फोर्स के क्या करेंगे, कंपोनेंट्स एफ कॉस थीटा और एफ, देखो पूरे फिजिक्स में कभी भी अगर इंक्लाइंड वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, इंक्लाइंड मतलब टेढ़ी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कुछ एंगल बना रही हो तो आप क्या करेंगे उसका, कंपोनेंट्स, एंगल के साथ कॉस वाला और जो बच गया वो साइन वाला, ठीक। अब आपसे कहा जाए बेटा वर्क बताओ तो आप कहेंगे सर आसान है, दिस टाइम वर्क इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू डी। तो वर्क क्या होता है, देखो जिन लोगों को केवल ये फॉर्मूला पता था तो उन्होंने केवल एनसीईआरटी पढ़ा होगा, और हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को ये भी वाला फॉर्मूला पता हो क्योंकि रेफरेंस बुक जो आपकी क्लास नाइन्थ में चलती थी सरदार जी वाली, उसमें दिया हुआ है ये फार्मूला एफ डी कॉस थीटा, यूपी बोर्ड में इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है एफ डी कॉस थीटा, पढ़ा होगा आप लोगों ने, या हो सकता है कोरोना मुड़ा दिया हो। तो कहने का मतलब वर्क क्या है, वर्क इज, व्हाट इज वर्क,
वर्क इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। इतनी बात तो क्लास नाइन्थ के बच्चों को बताई जाती है कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब पूरी बात सुनो। वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कॉम्पोनेंट ऑफ, किसका कॉम्पोनेंट किया है हमने, फोर्स, किसकी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या ये बात समझ में आई? मतलब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है तभी आप फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। ये एफ इंटू डी तभी वैलिड है जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, और अगर सेम में नहीं है तो आप कंपोनेंट कर लो, वही वाला कंपोनेंट लेना जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। तब आप कहोगे सर वर्क का वैल्यू आया एफ डी कॉस थीटा, और एफ डी कॉस थीटा जो है दैट इज एग्जैक्टली लाइक ए बी कॉस थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट का एक एग्जाम्पल क्या हो गया, वर्क। वर्क इज सिंपली डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है वर्क। क्या ये बात समझ में आई? कोई डाउट हो इसमें तो बताओ बेटा। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एफ डी, सेम डायरेक्शन में नहीं है तो एफ डी कॉस थीटा। और वहां पे सोचो अगर यही एंगल जीरो हो जाए तो यही वाला केस हो जाएगा, और कॉस जीरो कितना होता है, वन, तो फॉर्मूला भी यही हो जाएगा एफ डी। इज इट क्लियर? और सोचो किसी कूली के बारे में सोचिए, जो आप ट्रेन से उतरे और कूली आ गया दौड़ के, लाइए बाबूजी सामान दे दी, उसने आपका सब सामान लिया, खोपड़ी बिला लिया, लेके चलने लगा। उस समय अगर आपसे मैं पूछूं उसने कितना वर्क किया, तो आप तो यही कहेंगे सर इतना भारी बैग था, बहुत अच्छा किया ये उठा के यहां तक ले आया। बोलो यार पसीना पसीना हो गया बेचारा, आपने उसको निकाल के 100 200 300 400 जो है अपना आपने उसको दे दिए, वो चला गया मौज में है। ठीक है, तो आपने उसको पैसा दे दिया, वो चला गया, आपने पैसा उसका पसीना देख के दिया कि यार भारी बहुत था, उसने बहुत काम किया। लेकिन फिजिक्स कहता है उसने कोई काम नहीं किया, क्योंकि जो उसने अपनी खोपड़ी पे बोझा रखा है उसका वेट किधर लगेगा, डाउनवर्ड। बोलो भाई, और जब वो ऐसे आगे चल रहा है तो वो जो वेट रखा है खोपड़ी पे उसका डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, सामने। एंगल कितना है दोनों के बीच का, वेट नीचे और डिस्प्लेसमेंट सामने, एंगल कितना है 90 डिग्री, कितना एंगल है, तो वर्क कितना होगा एफ डी कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है, तो वर्क कितना हुआ, उसने कोई वर्क नहीं किया, फिर भी वो पोपट बना के पैसा ले गया। क्या ये बात समझ में आई? तो कहने का मतलब बेटा ये है कि फिजिक्स में जो वर्क होता है वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है, फोर्स पर, डिस्प्लेसमेंट पर, और दोनों के बीच के एंगल पर। अगर एंगल 90 है तो वर्क नहीं हो सकता, और बिना वर्क किए आप किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड में कोई चेंज नहीं कर सकते, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं कर सकते। बोलो भाई, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चलता चला जा रहा है, अब हमने कोई वर्क नहीं किया तो हम यही खड़े हैं, या अगर हमने जब कुछ किया ही नहीं तो हम उसकी स्पीड में क्या चेंज कर पाएंगे, बताओ। चेंज तो हम तब कर सकते हैं कि वो जा रहा हो तो हम भी उसको दौड़ा ले तो थोड़ा और तेज भागेगा, बोलो यार, या हमने उसको दौड़ा के पकड़ लिया तो उसकी स्पीड को कम करा दिया। तो या तो अगर मैं मूव कर रहा हूं, मैं वर्क कर रहा हूं, तो मैं या तो उसकी स्पीड को बढ़ा सकता हूं या घटा सकता हूं। लेकिन अगर हमने खुद ही वर्क नहीं किया तो मैं किसी दूसरे की स्पीड को क्या घटाऊंगा बढ़ाऊंगा। सेम यही क्वेश्चन अभी इसी बार के आईआईटी जेई के पेपर में आया, अभी आईआईटी मेंस के पेपर में, अभी 10 दिन पहले सेम यही क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों से। फर्स्ट शिफ्ट का पहला पेपर जो था, पहला मॉर्निंग शिफ्ट का, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया कि सर्कुलर मोशन के दौरान
जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है क्या वो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकता है? अब सोचो, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो बोलो उसके ऊपर एक फोर्स हमेशा लगता है टुवर्ड इट्स सेंटर। अगर ये ऑब्जेक्ट है सर्कुलर मोशन में तो बोलो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। नाम सुना आप लोगों ने, नाइन्थ में सुना होगा नाम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो बेटा सेंटर की तरफ एक फोर्स होता है जिसका नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, तो एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ होगा, उसका नाम क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर है? अब जरा सोचो, कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में होता है तो बोलो वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में बोलो डिस्प्लेसमेंट होता है भाई, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी का है क्या वही डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का भी है? बोलो यार, अगर मैं आपसे कहूं ये ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी होगा, करेक्ट है? जरा फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल बताइए, 90। अगर फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है तो फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट भी होगा, तो बोलो वर्क कितना होगा। और अगर वर्क जीरो है तो क्या ये किसी की स्पीड को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकता है? नो, सेम क्वेश्चन पूछा गया, उसमें यही ऑप्शंस थे, इट कैन चेंज काइनेटिक एनर्जी, इट कैन नॉट चेंज काइनेटिक एनर्जी, इट कैन चेंज स्पीड, इट कैन नॉट चेंज स्पीड। तो आंसर्स कौन कौन से हुए, ना तो स्पीड चेंज कर सकता, ना तो काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकता, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और स्पीड तो जुड़े हुए हैं। अगर स्पीड है तो हाफ एम वी स्क्वायर है, स्पीड नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है। क्लियर है? सेम क्वेश्चन पूछा गया, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था, डॉट प्रोडक्ट पर। क्लियर है? अब आते हैं फिलहाल डॉट प्रोडक्ट पर, बात करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या था भाई। ए डॉट बी का मतलब था ए बी कॉस थीटा। अब बेटा इसकी प्रॉपर्टीज पर आते हैं, 8-10 प्रॉपर्टीज हैं दैट वी हैव टू ऑब्जर्व, कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, जल्दी से देखिएगा। अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहली प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट की है कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव इन नेचर। कैसा होता है? इट इज कम्यूटेटिव इन नेचर। कम्यूटेटिव मतलब बेटा ए बी बराबर बी ए, मैथ्स में पढ़ा होगा, ए बी बराबर बी ए होना कम्यूटेटिव होता है। मतलब 2 × 3 = 6 है, तो 3 × 2 = 6 है, दिस नेचर इज नोन एज कम्यूटेटिव। तो यहां पर भी वही मतलब है कि अगर लिखा है मैंने ए डॉट बी तो दैट विल बी इक्वल टू बी डॉट ए, तो ये कम्यूटेटिव नेचर का होता है। ये बात क्लियर है? दूसरा है इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर ऑल्सो। कम्यूटेटिव भी होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का भी होता है। मतलब अगर लिखा है ए डॉट बी प्लस सी तो इसको हम अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ऐसा हम अंदर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो उनके बीच का बेटा एंगल कितना होगा। अगर दो पैरेलल वेक्टर्स हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, दो पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल कितना होता है, 90। भाई 90 तो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में होता है। पैरेलल लाइंस अगर हैं बेटा, एक ऐसी लाइन है और एक ऐसी लाइन है, अब इनके बीच का एंगल क्या बोलोगे, जीरो या फिर 180। तो ऐसे में अगर मैं आपसे कहूं ए डॉट बी की वैल्यू बताइए तो वो ए डॉट बी क्या होगा, दैट विल बी ए बी कॉस जीरो। क्लियर? कॉस जीरो कितना होता है, 1। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए इंटू बी,
यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये हो गया समझ लो लाइक पैरेलल वेक्टर्स के लिए। लाइक पैरेलल मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन सेम है। इस तरह के दो वेक्टर्स हैं, एक ये है और एक ये है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया? जीरो। लेकिन अगर दो ऐसे वेक्टर्स हों जिनके बीच का एंगल 180 है, तो एक वेक्टर ऐसा होगा और दूसरा पैरेलल है लेकिन अपोजिट है, भाई ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर होगा। ऐसे में अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे ए डॉट बी, तो बोलो इस बार क्या आएगा? ए बी कॉस 180, और कॉस 180 कितना होता है? -1। सो इट विल बिकम -AB। तो अगर दो सेम डायरेक्शन में पैरेलल लाइंस हैं, उसको बोलते हैं लाइक पैरेलल वेक्टर्स। ये भी मैं लिखवाया हूं आप लोगों को, लाइक पैरेलल वेक्टर्स हैं तो डॉट प्रोडक्ट होगा AB, और अगर अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स हैं तब डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? -AB। देखो ये सब प्रॉपर्टीज रटने वाली नहीं है, ये समझने की चीजें हैं कि सिर्फ एंगल ही तो रखा गया है भाई, पैरेलल लाइन से एंगल जीरो होगा, तो एक बार जीरो रखो एक बार 180 रखो, कॉस 0 1 होता है, कॉस 180 -1 होता है, तो ये सब रटने की चीजें नहीं है, ये समझने की चीजें हैं, वरना प्रॉपर्टी तो अभी बहुत सारी बनने वाली है। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं बेटा, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तब बोलो इनके बीच का एंगल कितना होगा? कितना होगा? 90। और अब अगर आपसे मैं कहूं ए डॉट बी बताइए, तो दैट विल बी ए बी कॉस 90, और कॉस 90 कितना होगा? 0। ये जो प्रॉपर्टी है वेक्टर की, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आपसे कभी भी कहा जाएगा प्रूफ करो ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तो कैसे प्रूफ करेंगे? उनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, और वो डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0। अभी मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा इस फॉर्मूले पर बेस्ड। अगली प्रॉपर्टी है सेल्फ प्रोडक्ट, मतलब एक वेक्टर का उसके खुद के साथ प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, लाइक ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो भाई ए डॉट बी अगर होता तो फॉर्मूला क्या था? ए बी कॉस थीटा। ए डॉट ए क्या होगा? ए ए कॉस थीटा। और अगर दो सेम वेक्टर्स हैं तो उनके बीच का एंगल बोलो कितना होगा? 0। और कॉस 0 कितना होता है? 1। इसका मतलब ए डॉट ए की वैल्यू कितनी है? कितनी है? ए स्क्वायर। कोई डाउट? सही है। और आगे बढ़ते हैं भाई, प्रॉपर्टी नंबर 6। अगर मैं आपसे कहूं आई डॉट आई, बोलो आई कैप जे कैप और के कैप, ये 3 यूनिट वेक्टर्स थे एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, क्लियर? इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 यूनिट। तो अगर बेटा लिखा है ए डॉट बी, तो होता है ना ए बी कॉस थीटा, मतलब ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो बताओ जरा आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। दूसरे वाले आई कैप का मैग्नीट्यूड, उनके बीच का एंगल, सेम वेक्टर्स के बीच एंगल 0 डिग्री, क्लियर है? तो 1 × 1 × 1 इज इक्वल टू, तो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आई? आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के, वैल्यू इज, पक्की बात है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 7, आई डॉट जे, बोलो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, उनके बीच का एंगल आई जे एंगल कितना होगा? 90। और कॉस 90 कितना होगा? कितना होगा? 0। तो आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट, क्या ये बात समझ में आई? अगर दो वेक्टर्स सेम हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है? 1। और अगर वो अलग अलग हैं यूनिट वेक्टर्स,
तब कितना आता है? क्योंकि ये तीनों ही यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर है? एक प्रॉपर्टी मैंने आपको और बताया था कि अगर कोई भी वेक्टर है तो कोई भी पॉइंट है उसको मैं आई जे और के टर्म्स में लिख सकता हूं। जैसे कोई पॉइंट है 2, 3 तो उसको वेक्टर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? 2i कैप प्लस 3j कैप। कोई दूसरा पॉइंट है 2, 3, 4 सो दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। मतलब किसी भी वेक्टर को बेटा हम आई जे और के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखना, लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 8। अगर ए वेक्टर को जनरल में लिख रहा हूं ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, बोलो ऐसा लिख सकते हैं भाई? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब जरूरी तो नहीं कि वेक्टर हमेशा 2, 3, 4 ही हो, कुछ भी हो सकता है। तो हमने इन जनरल लिख दिया भाई ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ऐसे ही जो दूसरा वेक्टर है बोलो इसको क्या लिखेंगे? बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, लिख सकते हैं ऐसा? अगर आपसे कहा जाए कि बेटा ए डॉट बी करो तो आप कहोगे सर ठीक है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड, बोलो ऐसा लिख सकते हैं? अब मल्टीप्लाई करो जरा, बोलो क्या आएगा? पहले तो ये बताओ मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बोलो कैसा होता है? कैसा होता है? इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। अंदर ले जा सकते हैं भाई, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम जैसे सिंपली करते हैं हम, ठीक है? तो वैसे ही हम लोग सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इस वाले टर्म का पूरे में, फिर इसका, जैसे करते हो मल्टीप्लाई। बोलो पहला टर्म क्या आएगा? ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, सही है? अगला टर्म बोलो ए एक्स बी वाई, भाई पहले इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं सब में, ए एक्स बी वाई आई डॉट जे। अगला बोलो ए एक्स बी जेड आई डॉट के, सही है? अब किसका मल्टीप्लाई करेंगे? तो बोलो क्या आएगा? ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, फिर 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 हाँ ए जेड बी एक्स के डॉट आई, फिर हाँ के डॉट जे, फिर हाँ सही है? मल्टीप्लाई किया, टोटल कितने टर्म्स आ गए? 9। कितने आ गए? 9। जरा ध्यान से देखो, i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k कितना होता है? और अगर अलग अलग है तो? जरा ध्यान से देख करके मुझे बताइएगा, ये 1, ये बोलो 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, बोलो यार। केवल तीन टर्म्स बचे और जो बचे हैं वो लिखो जरा, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई 1, और 1 का मल्टीप्लाई लिखने से कोई मतलब? अगला बोलो, अगला बोलो। इसका मतलब सिंपल है कि सर अगर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना है तो बहुत आसान है, आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करो ए एक्स बी एक्स, जे वाले को जे वाले से मल्टीप्लाई करो ए वाई बी वाई, और के वाले को के से मल्टीप्लाई करो ए जेड बी जेड। जैसे मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐड कर डालो, आंसर आ गया। क्लियर? ये रिजल्ट बहुत इजी है, आसान सा रिजल्ट आया। तो मैं इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बताता हूं। अगर हमने लिखा
2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और b वेक्टर हम लोगों ने लिखा माइनस i कैप प्लस k कैप। अब मैं आपसे कहूं बेटा a डॉट b बताओ, व्हाट इज a वेक्टर डॉट b वेक्टर। अब अगर डॉट प्रोडक्ट करना है तो तरीका सिंपल है, i वाला i से मल्टीप्लाई करो बेटा 2 इंटू माइनस 1, j वाला j से मल्टीप्लाई करो 3 इंटू है ही नहीं j का टर्म, प्लस 4 इंटू 1। तो बोलो आंसर कितना आया, पक्की बात है? मैं आपसे क्वेश्चन बोलता, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं इसी में, ठीक है, देखना ध्यान से। हमने यहां पर थोड़ा सा चेंज किया और मैंने लिख दिया p j कैप प्लस k कैप, ठीक। हमने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अगर ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो p की वैल्यू बताइए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अब आप मुझे बताओ अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो बोलो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्या होता है? एंड दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, उसी को हम यूज करने चल रहे हैं। बताओ इनका डॉट प्रोडक्ट बोलो क्या आएगा, कितना आएगा? माइनस 2 प्लस 3p प्लस 4 बराबर, पक्की बात है? अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हो भाई, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 3 इंटू पी 3p और 4 इंटू 1 4। बोलो p की वैल्यू कितनी आई है, कितना आया, आंसर आ गया। क्या ये बात समझ में आई, पक्की बात है? चलिए इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है, और अगली क्लास में जो अगला टाइप इसका बचता है वेक्टर प्रोडक्ट, उसकी भी बात करेंगे। देखो बेटा वेक्टर्स में कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम वेक्टर में वेक्टर को ऐड करते हैं तो सर्टेनली एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, वेक्टर में वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी वेक्टर क्वांटिटी आती है, लेकिन जब भी वेक्टर में वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो गारंटी नहीं है कि हमेशा वेक्टर आए। दैट मे बी अ वेक्टर, दैट मे बी अ स्केलर ऑल्सो। इसी वजह से मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स के दो टाइप होते हैं, मल्टीप्लीकेशन। ये मैंने पढ़ाया तो नहीं था आप लोगों को, क्यों भाई ये पढ़ाया है? डॉट प्रोडक्ट मैं पूरा पढ़ा चुका हूं, प्रॉपर्टी सारी बता दी हैं, तब तो आज क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाना है। चलिए ठीक है, मल्टीप्लीकेशन मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, अच्छी बात है। मल्टीप्लीकेशन के दो टाइप हो गए, सबसे पहला टाइप होता है बेटा डॉट प्रोडक्ट और दूसरा टाइप इसका होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्योंकि ए वेक्टर में हम बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और जो क्वांटिटी आती है वो स्केलर होती है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट का एक नाम स्केलर प्रोडक्ट भी होता है। डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो नेम्ड एज स्केलर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का सिंबल होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और यहां पर इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। मतलब वेक्टर में वेक्टर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो क्वांटिटी आने वाली है वो भी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो वेक्टर इंटू वेक्टर स्केलर आएगा, जबकि यहां पर वेक्टर इंटू वेक्टर वेक्टर आएगा, इसीलिए ये स्केलर प्रोडक्ट है और ये वेक्टर प्रोडक्ट है, क्लियर है? अब फार्मूले की बात करते हैं। अगर इसके फार्मूले में हम लोग आए तो ए डॉट बी जो होता है इसका फार्मूला होता है बेटा ए बी कॉस थीटा। क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ए पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बी दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब लंबाई है, और कॉस थीटा जो होता है वो उनके बीच का एंगल होता है। अगर ए वेक्टर ऐसा है, ये ए वेक्टर है हमारा, ये बी वेक्टर है,
और इनके बीच का हम लोग को कुछ एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री कुछ गिवन होगा, तो वही एंगल यहां पर थीटा है। तो हमने डॉट प्रोडक्ट क्या सिखाया आपको, ए बी कॉस थीटा, मतलब इसकी लंबाई इंटू इसकी लंबाई मल्टीप्लाइड बाई इनके बीच के एंगल का कॉस, यानी कॉस थीटा। क्लियर है? इसकी कई प्रॉपर्टीज मैं आप लोग को प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूं। अब आया क्रॉस प्रोडक्ट, ये सबसे टफ है, मतलब इन सबसे टफ है। अभी तक आपने जितना भी वेक्टर में पढ़ा होगा वो सबसे कठिन चीज है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा टफ है इसलिए कंसंट्रेशन बढ़ाइएगा अपना। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है बेटा ए बी साइन थीटा, उसका होता है ए बी कॉस थीटा, और इसका क्या होता है ए बी साइन थीटा। यहां तक का मामला आसान है कि सर ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं, वहां कॉस थीटा निकाला था यहां साइन थीटा निकाल लेंगे। सारा खेल अब है, ये तो इसका मैग्नीट्यूड है, इसके साथ साथ यहां पर एक एन कैप भी आता है। ठीक, इसके साथ साथ एक एन कैप भी आता है जो इसको सोचो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर कैप लगा हुआ है तो बोलो ये एक यूनिट वेक्टर है, अगर कैप लगा है तो ये क्या है, इट इज अ यूनिट वेक्टर। और किसी भी यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, टू प्रोवाइड डायरेक्शन। तो एन कैप क्या है, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सोचो जो दो वेक्टर्स होते हैं, आप लोगों को मैंने पढ़ाया है एक वेक्टर का बेटा टाइप होता है कोप्लेनर वेक्टर्स। को का मतलब सेम, प्लेनर मतलब प्लेन। तो ऐसे वेक्टर्स जो कि सेम प्लेन में हो उनको हम लोग कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। और मैंने आप लोगों को एक पॉइंट प्रॉपर्टी भी लिखवाई थी कि दो वेक्टर्स हमेशा कैसे होते हैं, कोप्लेनर। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। जैसे एक वेक्टर देखो ये है, ये डायरेक्शन है उसका, और एक वेक्टर ये है, ये डायरेक्शन है। ये दो वेक्टर्स बोलो हमेशा इस प्लेन में होंगे। मैं ऐसे रख दूं तो इस प्लेन में है, मैं ऐसे रख दूं तो इस प्लेन में है, और ऐसे रख दूं तो इस प्लेन में है। बोलो भाई, अगर दो ही वेक्टर्स हैं तो वो हमेशा बोलो एक प्लेन में हो सकते हैं। दे आर ऑलवेज कोप्लेनर। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। क्लियर? तो अगर दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बोलो ये दोनों वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर रहे होंगे, सेम प्लेन में रहे होंगे। तो एन कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर होता है जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। एन कैप किसके परपेंडिकुलर है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब जरा सोचिएगा, अगर ये हमारा ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और इनके बीच का एंगल थीटा है, हमसे कहा गया सर ए क्रॉस बी निकालना है, तो हमने कहा भाई आसान है, ए की लंबाई ले लो, बी की लंबाई ले लो, साइन थीटा ले लो, यहां तक का मामला तो सिंपल है। अब आया सर एन कैप क्या है, एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो एक चीज बताओ, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो प्लेन है क्या वो प्लेन यही है, क्या वो यही डिजिटल बोर्ड ही उसका प्लेन है? बोलो भाई, ये इसी प्लेन पर है ना, जो आपको सामने दिख रहा है पूरी स्मूथ सरफेस है, प्लेन सरफेस है, ये इसका प्लेन है। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर बोलो कितनी डायरेक्शंस हो सकती हैं, दो, या तो बाहर या तो दो ही डायरेक्शंस तो होंगी। अगर ऐसा प्लेन है तो आइदर दिस विल बी डायरेक्शन और ऐसे जो पीछे रहा होगा वो डायरेक्शन रहा होगा। क्लियर है? दो डायरेक्शंस हो सकती हैं, या तो बाहर या तो अंदर। इसी चीज को समझने के लिए यहां पर एक राइट हैंड रूल होता है। वेक्टर की डायरेक्शन को निकालने के लिए हमारे पास कौन सा रूल है, वी हैव राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल हम यूज करते हैं इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। उसके लिए तरीका सिंपल है, आप अपना राइट हैंड लीजिए, पहले वेक्टर की तरफ करिए, मान लो आपने पहले वेक्टर की तरफ ऐसे उंगलियों को कर दिया, अब उंगलियों को दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाना है, क्योंकि ए क्रॉस बी करना था तो पहले ए की तरफ रखो और बी की तरफ। अब बी की तरफ ऐसे तो मेरी उंगलियां घूमेंगे नहीं, तो हमने हाथ को घुमा लिया। क्लियर? अब देखो बी की तरफ घूम जाएंगे, अब थंब जिस डायरेक्शन में शो करे वही डायरेक्शन किसका है, ए क्रॉस बी का, या कह लो वही डायरेक्शन किसका है, एन कैप का। फिर से बता रहा हूं, ए वेक्टर की तरफ उंगलियों को करो, बी की तरफ घुमाओ, जिधर थंब शो करे
वही डायरेक्शन है एन कैप का, वही किसका है एन कैप का। तो बोलो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कौन सा है, बाहर वाला जेड वाला। और अगर मैं आपसे कहूं बी क्रॉस ए, इस बार उंगलियां पहले किधर की तरफ होंगी, बी की तरफ, करिए सब लोग बी की राइट हैंड बी की तरफ करिए, ठीक। और ए की तरफ घुमाओ, ये बी है, बी की तरफ करो, और एक अब एक तरफ उल्टा तो घूमेगी नहीं उंगली, तो हाथ उल्टा करो। अब थंब किधर है, इनसाइड अंदर की तरफ इनवर्ट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ए क्रॉस बी बाहर की तरफ था जबकि बी क्रॉस ए अंदर की तरफ है, पक्की बात है। ये होता है वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, और आज हम लोग इसी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसकी सारी प्रॉपर्टीज और क्या क्या चीजें हैं वो सब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू स्टडी क्रॉस प्रोडक्ट। इस रूल का यहां पर बहुत यूज है, इसी की वजह से कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी चीज का कम्यूटेटिव होना। कम्यूटेटिव का बेटे मतलब होता है ए बी बराबर बी ए, टू इंटू थ्री सिक्स है, सिक्स इंटू थ्री भी सॉरी थ्री इंटू टू भी सिक्स है। जैसे टू इंटू थ्री वैसे ही थ्री इंटू टू, दोनों की वैल्यू क्या है सिक्स। इसका मतलब ए बी बराबर बी ए होता है, ये कम्यूटेटिव है। बट क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, क्रॉस प्रोडक्ट हमारा कम्यूटेटिव नहीं होता है। रीजन क्या है, ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि ए क्रॉस बी का फॉर्मूला था ए बी साइन थीटा एन कैप, बी क्रॉस ए का फॉर्मूला है बी ए साइन थीटा एन कैप। ए बी और बी ए बराबर है, साइन थीटा बराबर ही है, लेकिन एन कैप सेम। ए क्रॉस बी बोलो बाहर की तरफ था और बी क्रॉस ए, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। इनफैक्ट और डिटेल में अगर हम लोग घुसे तो हम लोग ये कहेंगे सर क्योंकि इनका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी विल बी निगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। और ऐसे वेक्टर्स को बोलो निगेटिव वेक्टर्स कहते हैं। वेक्टर का ये भी एक टाइप था जिसमें मैंने ये बताया था, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। तो आप सोचो अगर ए क्रॉस बी है तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बोलो कितना है, ए बी साइन थीटा और डायरेक्शन एन कैप, सही है। लेकिन अगर मैं बी क्रॉस ए की बात करूं तो बी क्रॉस ए का बेटा मैग्नीट्यूड कितना है, बी ए साइन थीटा, बट इसका डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं, माइनस का एन कैप। भाई ये बाहर की तरफ अगर एन कैप है तो माइनस एन कैप किधर होगा, अंदर की तरफ। वो अपोजिट वेक्टर्स कहलाते हैं या निगेटिव वेक्टर कहलाता है। तो आप खुद सोचो ए क्रॉस बी इज निगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए, क्या ये बात समझ में आई। सो दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दिस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। कम्यूटेटिव तो नहीं है बेटा लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब अगर लिखा हुआ है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। यू कैन राइट ए क्रॉस बी प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूं, डिस्ट्रीब्यूट अंदर कर सकता हूं। सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर बट इट इज नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर। क्या ये दो प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ गई। अब आते हैं अगर मान लो हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स हैं, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, इफ वी हैव पैरेलल वेक्टर्स, तो सोचो अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो बेटा उनके बीच का एंगल कितना हो सकता है। अगर दो वेक्टर्स ऐसे हैं, ये है
या फिर ऐसा है, चेक करो पैरेलल है दोनों केसेस में, या तो ये कंडीशन होगी तो एंगल कितना होगा, या तो वो कंडीशन होगी तब कितना होगा, तो या तो जीरो हो सकता है या तो 180 हो सकता है। और इन केसेस में अगर आपसे कहा जाए कि भैया ए क्रॉस बी निकालो, तो आप भी कहोगे सर ए बी साइन 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, और साइन 0 या साइन 180 दोनों ही कितना होता है, 0 कितना होता है। इसका मतलब अगर दो पैरेलल वेक्टर्स हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा कितना होगा, 0 होगा। क्या ये बात समझ में आई? इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन एंगल बिटवीन देम विल बी आइदर 0 और 180 डिग्री, सो देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज 0, ठीक। बट इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों, if these two are perpendicular to each other, then angle between them will be 90 degree. Angle 90 degree होगा। और अगर 90 degree होगा तो बोलो A cross B की value बेटा कितनी आएगी? AB sin 90 n cap. और sin 90 कितना होता है? 1. So this will become A cross B is equal to ए बी इंटू एन कैप। तो ये आ गया भाई, जैसा एंगल होगा हम रख देंगे, 0 होगा 0 रखेंगे, 90 होगा 90 रखेंगे, 45 होगा 45 रखेंगे, क्लियर। लेकिन कुछ जो स्टैंडर्ड है वो हम लोग याद कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 ये कहता है कि अगर मान लो आई कैप, आप लोग जानते ही हैं इट इज अ यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, मतलब 1 यूनिट का वेक्टर है एक्स डायरेक्शन में। अगर मैं कहूं बेटा आई कैप क्रॉस आई कैप करना है, तो फार्मूला देखो क्या था, ए क्रॉस बी का फार्मूला क्या था, ए बी साइन थीटा एन कैप, सही है। ए का मतलब क्या था, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो यहां पहले का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे का मैग्नीट्यूड 1, और अगर सेम वेक्टर्स हैं तो उनके बीच का एंगल, अगर दो सेम वेक्टर्स हैं, जैसे मान लो यही वेक्टर है, ये पहला है और यही दूसरा है, तभी तो बोलोगे सेम वेक्टर है, ठीक। सेम वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम है, तो बताओ इनके बीच का एंगल कितना है, 0। तो दिस इनटू दिस साइन 0 एन कैप, तो ओवरऑल बता दीजिए आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, या फिर के कैप क्रॉस के कैप, इन सब की वैल्यू बोलो कितनी आएगी, 0। क्या ये प्रॉपर्टी क्लियर है? अगली प्रॉपर्टी देखो भाई, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6। अब थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। आई क्रॉस जे, बोलो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, उनके बीच का एंगल 90 इंटू साइन 90 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, ओवरऑल बोलो सॉल्व होकर के ये एन कैप ही आएगा। अब ये सोचने वाली बात है, एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, सोचिए आई कैप जो होता है वो क्या एक्स डायरेक्शन में होता है, जे कैप वाई डायरेक्शन में होता है, और अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो राइट हैंड रूल यूज करो और मुझे बताओ कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किस डायरेक्शन में आएगा, कितना किधर आएगा, राइट हैंड से, क्या वो ऐसे है आई क्रॉस जे आउटवर्ड्स, अगर वो आउटवर्ड्स है और यूनिट वेक्टर है तो वो कौन सा वेक्टर होगा, के कैप, कौन सा है ये, के कैप। इसका मतलब ये समझ में आया कि सर ये ठीक है, ये सॉल्व होकर कितना आएगा, के कैप। मैं आपसे कहूं बेटा जे कैप क्रॉस के कैप बताइए, तो अगेन 1 इंटू 1 इंटू 1, भाई ये दोनों भी परपेंडिकुलर है, तो अगेन ये एन कैप ही आएगा।
लेकिन इसको सॉल्व करो, ये किस डायरेक्शन में आएगा, सोचो जरा। जे कैप बोलो किधर होता है, वाई में, और के कैप किधर हम लोगों ने माना, बाहर की तरफ। अब ऐसा सिस्टम है, ये जे है ये के है, बताओ अब किधर आएगा, जे की तरफ करो उंगलियों को और के की तरफ बेटा घुमाओ, किधर आ रहा अंगूठा, क्या वो इधर आ रहा है। और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन होता है, आई कैप, तो वैल्यू कितनी आएगी, पक्की बात। मैं आपसे कहूं के क्रॉस आई, अब सोचो के कैप किधर होता है, ये है के कैप बाहर की तरफ, और आई कैप बोलो इधर है, सही है। अब बताओ किधर आएगा, किधर आएगा, के की तरफ पहले उंगलियों करो, के की तरफ, और आई की तरफ घुमाओ, थंब किधर जा रहा है, राइट हैंड, ऑलवेज यूज दिस विद राइट हैंड, लेफ्ट किया तो उल्टा आएगा, राइट हैंड, ठीक, ऐसे करो बेटा, किधर आ रहा है, अपवर्ड, और अपवर्ड कौन सा डायरेक्शन है। तो एक चीज ये समझ में आ गई कि सर अगर किसी दो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, I क्रॉस J किया तो क्या आएगा, K, J क्रॉस K किया तो जो बचा I, और K क्रॉस I किया तो जो बचा, अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा ठीक है J क्रॉस I करो, चलो J क्रॉस I बोलो, ये किधर आएगा, सोचो J की तरफ करो उंगलियों को और I की तरफ घुमाओ, जे की तरफ पहले उंगलियों को करो, ठीक, और आई की तरफ घुमाओ, किधर आ रहा है, जे ये आई है, जे की तरफ उंगलियों करो पहले सब लोग, जे की तरफ करो, चलो ऐसे कर दिया हमने, मान लो हमें नहीं पता था हमने ऐसे कर दिया, ठीक, और आई की तरफ घुमाना है, अब ऐसे तो उंगली घूमेगी नहीं मेरी, तो मैं हाथ को घुमा लूंगा, जे की तरफ है और आई की तरफ घुमाओ, बोलो किधर आ रहा है, इनसाइड जा रहा है, इनसाइड का मतलब कौन सा डायरेक्शन, कुछ समझ में आई बात, पक्की बात है। मैं आपसे कहूं के क्रॉस जे कितना आएगा, कॉमन सेंस यही कहता है कि सर दो है तो तीसरा ही आएगा, और आपने क्योंकि इसका उल्टा कर दिया तो माइनस आई कैप आएगा। ऐसे ही मैं आपसे कहूं आई क्रॉस के, बोलो भाई माइनस, तो ऐसे बेटा कितने फार्मूले बन गए हमारे पास, छह फार्मूले। लेकिन ये घूमने घुमाने वाला मेथड, पहली बात तो आपको आना चाहिए, ठीक, दूसरी बात सबको आ नहीं पाता है लेकिन कोशिश करिए कि आ जाए, आप लोगों को वैसे आ भी गया क्योंकि आप लोग कर रहे थे अभी। मैं अब आपको इसका शॉर्टकट सिखाता हूं, शॉर्टकट ये है, आप एक सर्कल बनाएंगे, लेकिन आना चाहिए, शॉर्टकट सीख लो बट उसके बाद भी डायरेक्शन वाला मेथड आना चाहिए क्योंकि अभी से लेकर 12th तक काम में आने वाला है, ठीक है। और यही कारण है कि वेक्टर 12th में बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि आप लोग ये चीज भूल जाते हो, उसी का मैं आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूं कि शॉर्टकट क्या है ताकि आप इसको कभी ना भूलें। एक सर्किल बनाइए और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखिए आई कैप, जे कैप और के कैप, लिख सकते हैं। अगर आई क्रॉस जे किया तो क्या आएगा, जे क्रॉस के किया, के क्रॉस आई किया, लेकिन अगर उल्टा घूमे, जे क्रॉस आई, आई क्रॉस के क्रॉस जे, मतलब सीधा घूम रहे हैं तो पॉजिटिव और अगर उल्टा घूम रहे हैं तो, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो, पक्की बात। ये रूल हमको आना चाहिए, तो ये स्लाइड आपके लिए, ये दो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं, इन लोगों को बेटा मैंने सबको सिखाया था, अगर कोई भी वेक्टर है, आपको भी मैंने बताया कि अगर कोई पॉइंट है 1, 2, 3 तो वी कैन राइट इट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी वेक्टर को आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक। तो हमने भी लिखा भाई जनरल, अगर कोई ए वेक्टर है तो ये भी कुछ वैसे ही होगा,
कि 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस समथिंग k कैप, ऐसे कुछ होगा। तो इसको हमने एक जनरल बात लिखी कि सर ये है ax i कैप, ay j कैप, az k कैप, ऐसा लिख सकते हैं। कोई दूसरा वेक्टर है मान लो b वेक्टर, उसको भी हम जनरल लिख सकते हैं bx i कैप, by j कैप प्लस bz k कैप। और मैंने आपसे कहा कि बेटा इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो, टेल मी द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी। तो आपने कहा सर ठीक है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, सही है, मल्टीप्लाइड बाई यानी कि क्रॉस बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ऐसा लिख सकते हैं, पक्की बात। अब मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई क्यों हम कर पा रहे हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कैसा होता है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर, हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा ये आप मुझे देख करके बताएंगे। पहला टर्म जरा चेक करना, क्या ये ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई आएगा, सही है। दूसरा टर्म जरा चेक करिएगा, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे। अगला टर्म चेक करिएगा, ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के प्लस, अब फिर से चेक करो, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई। बेटा अब इसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो पहले जे है फिर आई आया, तो जे क्रॉस आई। फिर अगला टर्म बोलो, ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, फिर ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, फिर ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, यस, ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, फिर पक्की बात है। जब आपने ये पूरा मल्टीप्लाई किया तो भाई ये टर्म तीन के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये तीन के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये तीन के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो टोटल 9 टर्म्स आ गए बोलो, ठीक। अभी पीछे प्रॉपर्टी हमने देखा था कि i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k की वैल्यू कितनी होती है। अगर वो वैल्यू जीरो है तो जरा चेक करिए, क्या ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, और ये भी, तीन टर्म तो गायब, कितने बचे, 6 जो बचे वो मैं लिख रहा हूं, ए एक्स बी वाई। सोचो अब जरा, आई क्रॉस जे क्या होता है, आंख बंद करो और सोचो, क्लॉकवाइज चल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, के कैप होता है, ठीक, तो इट इज के कैप। ए एक्स बी जेड, बताओ जरा, आई क्रॉस के है तो ऑब्वियस जे आएगा, लेकिन प्लस का है कि माइनस का, सोच लो भाई, प्लस का माइनस का, आई क्रॉस के उल्टा है ना, सो दैट विल बी, ये ध्यान देना पड़ेगा हमेशा, ये देखो प्लस का ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स, जे क्रॉस आई माइनस के कैप, ये जीरो, ये देखिए ये क्या आएगा, ए वाई बी जेड जे क्रॉस के आई कैप प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, चेक कर लो भाई, के क्रॉस आई, यस, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है ना, सो दैट इज जे कैप। नेक्स्ट,
ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, के क्रॉस जे भाई देख लो उल्टा चल रहे हैं, सो दैट विल बी, ये बात सही है बेटा। देखो आई वाले दो टर्म्स हैं, ये और ये, क्या है पहला टर्म ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड वो था, और ये क्या है माइनस, चेक कर लो भाई, माइनस ए जेड बी वाई, इन सब के बाहर क्या था आई कैप, क्या ये बात सही है। ऐसे ही जे वाले चेक करो कितने टर्म्स हैं, ये और ये, पहले ही माइनस है तो माइनस कॉमन कर लेते हैं, जैसे ही माइनस आप कॉमन करोगे बोलो क्या आएगा ए एक्स बी जेड, तो माइनस का जे कैप ए एक्स बी जेड, और यहां से भी माइनस कॉमन करोगे तो ये प्लस का है, अब माइनस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस का ए जेड बी एक्स, सही है। अगला टर्म देखिए, हमने के कैप कॉमन किया, नेक्स्ट देखिए के कैप का टर्म यही था पॉजिटिव ए एक्स बी वाई माइनस, तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई, क्या ये बात समझ में आई, ये फॉर्मूला किस चीज का है भाई साहब, ए क्रॉस ये फार्मूला है, रटो। कैन यू लर्न इट, आई टाइम्स ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई माइनस जे टाइम्स ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स प्लस के टाइम्स ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। अगर मैं आपको जैसे क्वेश्चन देता हूं, मैंने आपको क्वेश्चन दिया ए वेक्टर है हमारा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, बी वेक्टर है हमारा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, दो वेक्टर्स हैं, हमसे बेटा बोला गया a क्रॉस b निकालिए सर, a क्रॉस b निकालिए, तो अब सोचो a क्रॉस b का फॉर्मूला क्या है, ये तो मैं क्या लिखूंगा i कैप टाइम्स ए वाई बी जेड, ए वाई कितना है कोई कह रहा है टू, कोई कह रहा है थ्री, कोई फोर बोल दो कितना है बेटा ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, तो ए वाई कितना है थ्री, मतलब थ्री इंटू बी जेड कौन है वन, थ्री इंटू वन यानी कितना आएगा थ्री, सही है। माइनस ए जेड बी वाई, ए जेड कितना है माइनस फोर, बी वाई कितना है, तो माइनस फोर इंटू वन माइनस फोर, और मैं माइनस फोर यहां पे रखूंगा तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा बाद में, माइनस जे कैप ए एक्स बी जेड, ए एक्स कितना है और बी जेड कितना है टू इंटू वन, माइनस ए जेड बी एक्स, ए जेड कितना है बी एक्स कितना है, तो क्या ये माइनस फोर हुआ प्लस के कैप ए एक्स बी वाई, ए एक्स कितना है और बी वाई कितना है, तो क्या ये टू हुआ, और ए वाई बी एक्स तो ये आंसर हमारा कितना आया सेवन आई कैप सिक्स जे कैप टू माइनस थ्री माइनस वन सो माइनस के कैप। क्या हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे,
देखो यार, मैंने आपसे बोला कि आप लोग बेटा फॉर्मूला याद कर लेना, लेकिन मुझे खुद नहीं याद है, ठीक है? तो ये फॉर्मूला तो याद करना कठिन है, क्योंकि जब हमको आज तक 9 साल में ना याद हुआ तो आपको क्या याद होगा। हालांकि रट लोगे कोशिश करके तो आ जाएगा, लेकिन इस तरह का जब अगर कभी क्वेश्चन बनेगा ना, तो ये कहीं ना कहीं श्योर है कि आपसे गलती हो जाएगी। यहाँ पर सामने फार्मूला था, सामने क्वेश्चन था, मैं बार बार पूछ रहा हूँ AX कौन, AY कौन, तो आप कर पा रहे हैं। लेकिन जब आप खुद से करने बैठेंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ इसमें हो जाएगी। इसलिए इसके लिए हम लोग एक दूसरी चीज़ भी सीखेंगे, और वो दूसरी चीज़ होती है डिटर्मिनेंट। क्या है ये? मैथ्स का एक टॉपिक है, आसान है। किसी भी नंबर को लिखने का एक तरीका है डिटरमिनेंट। जैसे सीक्रेट चीजें लिखी जाती है ना, आपने कोई चीज सीक्रेट लिख लिया अपने हिसाब से कि ऐसा है, मैं ऐसे 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 लिख दिया, इसका ये मतलब है। जैसे बच्चे करते हैं कि अगर हमने 2 बार बाल खुजाया मतलब बी वाला ऑप्शन है, अगर मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं समझ ले ए ऑप्शन होता ना ऐसा। तो ऐसे अगर आपने कोई एक सीक्रेट कोड बनाया, किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है डिटरमिनेंट। तो अगर जैसे मैंने ऐसा लिखा है 1, 2, -1 और 3 ऐसे लिख दिया, ठीक, तो ये इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये डिटरमिनेंट बेटा 2x2 का डिटरमिनेंट कहलाता है, 2 रोज 2 कॉलम्स। हालांकि 2x2 और इन सब का फिजिक्स में कोई यूज नहीं है, मैंने बस ऐसे ही बता दिया, क्योंकि जब आप मैथ्स में पढ़ेंगे तो आप काफी डेप्थ में पढ़ेंगे ये सब। मैं अभी सिर्फ उतना बता रहा हूं जितना मेरे काम का है, जितना मुझे रिक्वायर्ड है फिजिक्स में, ठीक। इसको सॉल्व करने का तरीका, देखो 4 नंबर्स हैं, सॉल्व करने का तरीका सिंपल है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो कितना आएगा 3 माइनस -2, तो क्या ये 5 आ जाएगा? तो जो नंबर 5 था उसको लिखने का एक तरीका क्या है? ये डिटरमिनेंट। मैं आपको एक छोटा सा डिटरमिनेंट दे रहा हूं, देखो क्या आप मुझे वैल्यू बता पाएंगे। ABCD बोलो, AD इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस इसको इससे करो, तो CB लिख सकते हैं, BC एक ही बात है, क्लियर है? ये 2x2 का है, सबसे आसान है, इसमें कुछ है नहीं। अब आते 3x3 में, 1, 2, 3, यहां पर है मान लो -1, यहां पर है मान लो 1, यहां पर मान लो 0, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है। चलो मैंने ऐसे ही लिख दिया बिना कुछ सोचे समझे, कोई इंटेंशन नहीं है। पहला नंबर सबसे पहले लिखेंगे, फर्स्ट जो भी होगा वो पहले लिखेंगे। पहला नंबर जिस रो में है उसको छिपा लो, जिस कॉलम में उसको छिपा लो, क्या बचा? बचा इसको लिख दो 1012, लिख लेंगे। अब जो दूसरा नंबर होगा वो हम हमेशा निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, ऑल्टरनेट होता है, पहला नंबर पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव, ठीक। तो दूसरा नंबर किस साइन के साथ? निगेटिव साइन के साथ, करेक्ट है? तो माइनस का 2, अब सेम काम करो, इसको छिपाओ और इसको छिपाओ, क्या बचा? -1022। फिर अगला नंबर लिखेंगे 3, सेम काम उसके साथ, बताओ क्या बचा? ये कर लेंगे, पहला नंबर पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। और अब बेटा इसको ओपन कर लो 1 टाइम्स, बोलो 2 -0 -2 टाइम्स, सही है, +3 टाइम्स, ठीक। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, कितना आएगा -3 और 3 9, तो 6 - 9 गए -3, एनी डाउट? सही है। मैं एक डिटरमिनेंट आपको दे रहा हूं, देखो मेथड समझ गया ना, एक डिटरमिनेंट मैं आपको दे रहा हूं, आप ही लोग बताएंगे इसको सॉल्व करके क्या आएगा। i कैप j कैप k कैप, यहीं पे बताना मैं लिखूंगा बस, AX AY AZ BX BY BZ। चलो बोलो पहला क्या लिखे हैं? i कैप, करेक्ट,
AYAZ BYBZ सही है, फिर माइनस जे कैप सही है, फिर AXAZ BXBZ फिर माइनस या प्लस, हाँ फिर ये चीज मतलब आप लोग समझ गए। अब बेटा इसको ओपन करो, बोलो AZBY माइनस जे कैप, बोलो हाँ AZBX प्लस के कैप माइनस BXAY सही है। क्या ये वही फार्मूला आ गया, बोलो यार चेक करोगे सर, हमको तो याद ही नहीं था, इसी चक्कर में तो ये पढ़ा था। AYBZ माइनस AZBY देखो क्या वैसा ही आया है, AYBZ माइनस AZBY वहां भी चेक करो माइनस था, माइनस जे AXBZ माइनस AZBX चेक करिए, मतलब आंसर इज सेम, क्लियर। तो अगर मुझे कभी भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, वो फॉर्मूला हमको याद होने से रहा ठीक, लेकिन मैं ये याद कर सकता हूं कि पहली लाइन में IJ के, फिर आई के नीचे आई वाले टर्म्स, जे के नीचे जे वाले टर्म्स, और के नीचे के वाले टर्म्स। और जरा चेक करिए जो ये क्वेश्चन अभी मैंने दिया था, ये अगर इसको मुझे क्रॉस प्रोडक्ट लगाना होता, सॉल्व करना होता, तो क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते थे, आई जे के पहला वेक्टर, भाई ए क्रॉस भी निकालना था तो ए का डेटा इसमें फिल करो, ए का डेटा क्या है भाई 2, 3, -4 यहां बेटा आई जे के नहीं लिखना हमको, आई वाले टर्म्स लिखने हैं बस ठीक। नीचे वाली लाइन में क्या लिखोगे 1, 1, 1 सही है। अब इसको एक्सपेंड करने का तरीका क्या था, आई कैप लिखते फिर बोलो ये सब छिपा लेते ये बचता, इसको सॉल्व कैसे करते 3 -4 तो क्या वो 7 आता सही है। फिर क्या लिखते माइनस जे, माइनस जे जब लिखते तो ये छिप जाता, कितना था 2 -4 तो क्या वो 6 आता, प्लस के 2 चेक कर लो, इज इट क्लियर। तो अगर हमें कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा तो वी विल प्रीफर द मेथड ऑफ डिटरमिनेंट, ये इजी है सिंपल लगा देंगे, इसको सॉल्व करना आसान है, बस ये ध्यान रखना पहला एलिमेंट पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट, क्लियर है ठीक। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, एक मिनट।